पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंटर क्लास में मैथमेटिक्स में चैप्टर पढ़ा था डिटरमिनेंट, जो कि पार्ट फर्स्ट था। आज हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले टॉपिक पे क्या क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने पढ़ा था डिटरमिनेंट किसे कहते हैं, यानी उसकी डिफिनीशन पढ़ी थी, उसको एक्सपेंड करना यानी उसका विस्तार करना पढ़ा था, और फिर उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी यानी सारणी के गुण पढ़े थे, और फिर सारणी के एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने तीन एप्लीकेशन पढ़े थे। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे अगर त्रिभुज के तीनों शीर्ष यानी वर्टेक्स हमें पता है, अगर तीन पॉइंट को लीनियर प्रूफ करने हैं यानी संदेह सिद्ध करने हैं तो किस तरीके से हम सिद्ध करेंगे ये पढ़ा था, और दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हम डिटरमिनेंट के मेथड से किस तरीके से फाइंड करेंगे ये हमने पढ़ा था। तो इतना हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ा था, आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे माइनर एंड कोफैक्टर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं उपसारणिक तथा सहखंड, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि जो हमारा डिटरमिनेंट होता है वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसी से रिलेटेड एक नंबर होता है, यानी अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स को वर्ग अवयव को एक नंबर के रूप में डिनोट करें तो वो हमारा क्या कहलाता है, डिटरमिनेंट यानी सारणी कहलाता है। तो अगर कोई मैट्रिक्स दी गई है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, सपोज करिए 3 1 2 0 1 4 -1 3 0, ये जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग जानते हैं जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल रहती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर हम इसका डिटरमिनेंट लिखें तो डिटरमिनेंट ए, इसका मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, तो दोनों तरफ साइन हम डिटरमिनेंट का यूज करेंगे और ये हमारा जो है वो थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट कहलाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे उपसारणिक यानी माइनर। माइनर किसे कहते हैं ये समझेंगे, जैसे ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसी से अगर हम एक नया डिटरमिनेंट निकालें, ये पूरा डिटरमिनेंट है इसी में से अगर एक हम छोटा सा डिटरमिनेंट फाइंड करें तो वो क्या कहलाएगा हमारा, उपसारणिक। जैसे अगर हम ये कहें कि जो 3 लिखा है, जो 3 है इसका उपसारणिक यानी इसका माइनर क्या होगा, तो देखिए 3 जिस रो में है उस रो को कट कर दें और जिस कॉलम में है उस कॉलम को कट कर दें, जितना हमारा बचा यही हमारा कहलाएगा 3 का माइनर। तो माइनर ऑफ 3 ये कितना कहलाएगा हमारा, 1 4 3 0, क्योंकि नाम क्या है उपसारणिक, तो होगा ये सारणिक के जैसे ही ठीक, लेकिन ये कम ऑर्डर का हो जाएगा यानी इसका एक ऑर्डर कम हो जाएगा। जैसे ये 3x3 ऑर्डर था यानी थर्ड ऑर्डर था, ये हमारा 2x2 यानी सेकंड ऑर्डर का बन जाएगा। तो इसी तरह से जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, जो हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के माइनर्स होते हैं यानी सभी का उपसारणिक कहलाता है। जिसका उपसारणिक निकालना हो उसकी रो को और उसके कॉलम को हम हटा दें तो हमें उसका उपसारणिक मिल जाएगा। चलिए और किसी को देख लेते हैं, जैसे सपोज करिए जो 4 लिखा है इसका उपसारणिक हमें निकालना है, तो माइनर ऑफ 4 यानी 4 का उपसारणिक, तो इसका उपसारणिक क्या होगा, 4 किस रो में है, थर्ड रो में हटा दें, किस कॉलम में है, सेकंड कॉलम में हटा दें, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम को हमने हटा दिया, बचा कितना 3 1 -1 3, तो ये हमारा क्या हो गया इसका माइनर। अब हम इसको सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करना सेकंड ऑर्डर को ओपन करना, फर्स्ट पार्ट में बताया था इनकी मल्टीप्लाई करते हैं यानी 9 माइनस इनकी मल्टीप्लाई करते हैं यानी -1, यानी कितना आ गया 9 + 1 = 10, यानी ये जो 4 है इसका उपसारणिक यानी माइनर कितना आएगा 10 आएगा। इसी तरह से इसका कितना आएगा, इनकी मल्टीप्लाई 0 माइनस इनकी मल्टीप्लाई यानी 12, तो कितना आएगा -12। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का यानी किसी भी अवयव का हम उपसारणिक उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, ये ध्यान रहे उपसारणिक यानी माइनर किसके होते हैं,
जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनके होते हैं। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि माइनस क्या होते हैं। उसके बाद है कोफैक्टर्स, यानी सहखंड। अब सहखंड क्या होंगे वो समझते हैं। जैसे मैट्रिक्स लिखी है 3 1 2 4 5 0 7 -1 0, ये जैसे मैट्रिक्स लिखी है। ठीक, तो अभी हमने समझ लिया कि उपसारणिक क्या होता है। तो आप एक बार फिर से बता देते हैं, जैसे इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के माइनर यानी उपसारणिक होंगे, किसी एक का निकाल लेते हैं। जैसे सपोज करिए 5 1 का निकाल लेते हैं, तो माइनर ऑफ 1। ठीक, इसका माइनर देखिए 1 सेकेंड रो में है, इसको हटा दें, फर्स्ट कॉलम में है इसको हटा दें, बचा कितना 4 0 7 0। तो 4 0 7, चलिए यहां पर 0 के आगे कुछ और लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, 2। तो यहां क्या लिख लेते हैं 2, इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये हो गया 8 माइनस ये हो गया 0, यानी कितना आया 8 आया। ठीक, तो ये माइनर ऑफ 1, यानी जो 1 लिखा है इसका माइनर कितना आया, यानी उपसारणी कितना आया 8 आया, इस तरीके से समझ में आ गया। अब समझते हैं को फैक्टर यानी सेकंड क्या होगा। सेकंड क्या होगा, इधर लिखते हैं को फैक्टर ऑफ 1, ये जो 1 है इसका को फैक्टर देखते हैं। ठीक, तो देखिए जो माइनर होता है उसको विद द साइन अगर हम लिखें तो वो हमारा क्या कहलाता है, उसका सेकंड यानी को फैक्टर। यानी को फैक्टर क्या होगा, माइनर विद द साइन यानी उपसारणी को हम चिन्ह सहित लिखें। ठीक, वैल्यू वही रहेगी, केवल चिन्ह उसका जो है वो अगर चेंज होता है तो करेंगे, नहीं होता है तो नहीं करेंगे। अब चिन्ह कैसे जानेंगे, पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो चिन्ह होते हैं 3x3 के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी अल्टरनेट प्लस माइनस जो है वो यूज होते हैं। ठीक, तो जो भी एलिमेंट हमारा जहां पर है उसका साइन देख लेंगे। तो 1 हमारा यहां पर है तो इस 1 का साइन क्या होगा, माइनर। तो जो हमारा माइनर आया इसको विद द साइन लिखते हैं, तो इसका साइन होता क्या है, इस 1 का यहां पर प्लेस है तो इस प्लेस पे साइन क्या होगा, माइनस का। तो जो हमारा माइनर आया है उसके आगे हम माइनस यूज कर लेंगे, तो माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक, तो कभी साइन चेंज हो भी सकते हैं, कभी नहीं भी चेंज हो सकते हैं। मान लीजिए अगर 1 यहां पर होता तो यहां पे साइन क्या आता, प्लस का, तो जो भी माइनर आया था वही हो जाता उपसारणिक कोफैक्टर। ठीक, तो ये ध्यान रखिए जो कोफैक्टर होते हैं यानी जो सेकंड होते हैं वो जो माइनर आता है यानी उपसारणिक आता है उसको हम चिन्ह सहित लिख दें तो वही हमारे क्या कहलाते हैं, को फैक्टर कहलाते हैं उस एलिमेंट के। और चिन्ह कहां से पता चलेगा, चिन्ह यहां से पता चलेगा, या एक और तरीका भी है, -1 की पावर r + c, -1 की पावर r + c, r क्या है रो और c क्या है कॉलम। ये हम सभी लोग जानते हैं कि अगर -1 की पावर जो है वो इवन है यानी सम संख्या है तो +1 होता है, और अगर -1 की पावर ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है तो ये -1 होता है। ठीक, तो यहां से भी हम इसका चिन्ह जो है वो हम समझ सकते हैं। जैसे ये जो 1 है ये किस रो में है, सेकंड रो में, तो यहाँ r कितना हो गया 2, प्लस किस कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में, तो c कितना हो गया 1, तो कितना आया -1 की पावर 3। 3 क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए इसका साइन क्या आएगा, माइनस का। तो साइन क्या आएगा, माइनस का, वही देखिए यूज किया है। तो या तो इस तरीके से साइन को याद रखें या तो इस तरीके से याद रखें, जैसे आपको समझ में आए वैसे याद रखें। तो ये हो गया माइनर एंड कोफैक्टर। यानी अगर कोई हमारा वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के माइनर और कोफैक्टर होंगे, और किस तरीके से निकालेंगे वो मैंने आपको बता दिया, एक का बताया उसको बाकी को भी उसी तरह से निकाल सकते हैं। अब हम लोगों ने पहले पार्ट में पढ़ा था जो हमारा सारणिक होता है, डिटरमिनेंट होता है, उसका विस्तार करना, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। तो अब यहां से भी हम थर्ड ऑर्डर को एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे जैसे कोई मैट्रिक्स दे दी गई 3 1 2 -1 4 0 7 2 1, जैसे ये मैट्रिक्स है। ठीक, कहें इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए, तो डिटरमिनेंट इसका ये हो गया, मैट्रिक्स को हमने डिटरमिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, इसकी वैल्यू निकालने तो मैंने बताया था किसी रो या किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में इसका विस्तार हम कर सकते हैं, लेकिन अगर सीधे एक्सपेंड करने को आएगा तो ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन अभी हमसे ये पूछ ले कि माइनर और कोफैक्टर, ठीक, या कोफैक्टर केवल कह दे कि कोफैक्टर का यूज करके यानी सेकंडों का यूज करके हमें जो है वो इसको एक्सपेंड करना है, लेकिन साथ में ये भी कहा जाएगा कि किस रो या किस कॉलम
कि हमें कोफैक्टर यूज करने। सपोज करिए कि जैसे कह दिया कि दूसरी पंक्ति, पंक्ति का मतलब रो, ठीक, यानी दूसरी पंक्ति के सेकंड, सेकंडों का प्रयोग करके, ठीक। जैसे हमसे क्वेश्चन ने कह दिया कि जो हमारा हमारी सेकंड रो है उसके हम कोफैक्टर का हम यूज करें, यानी सेकंडो का यूज करें, और तब इस डिटरमिनेंट की हम वैल्यू फाइंड करें, यानी इसको एक्सपेंड करें। किस तरीके से करेंगे समझिए। सेकंड रो हमारी कौन सी हुई, ये हुई। तो पहला काम है ये जो सेकंड रो में एलिमेंट है हम इन सभी के क्या निकाल लें, कोफैक्टर, ठीक। तो इस तरह से निकाल लेंगे, या तो हम लैंग्वेज में लिखें जैसे ये एक का सेकंड, या तो इस तरीके से लिखें यानी कोफैक्टर ऑफ वन, या तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं जो कोफैक्टर होते हैं उनको इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल ए लिखते हैं और फिर जिस प्लेस पे जो रो जो कॉलम में होता है, तो ये सेकंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, यानी ए टू वन। अगर कैपिटल ए टू वन है तो इसका मतलब है सेकेंड रो पहले कॉलम का जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर, और अगर यही चीज स्मॉल लेटर में लिखी है तो इसका मतलब है कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ठीक। इसका मतलब है एलिमेंट यानी वन हो जाएगा यहां पर, और कैपिटल लेटर में अगर लिखा है तो इसका मतलब है कि जो वन का कोफैक्टर आएगा वो होगा, ठीक। तो या तो हम लैंग्वेज में लिखें या तो हम सिंबल में लिखें, जैसे समझ में वैसे लिखें, ठीक। तो पहले तो हम इनके साइन लिखेंगे और फिर जो इसका माइनर आएगा वो लिख देंगे। तो प्लस माइनस, प्लस माइनस, ये माइनस का होगा, माइनस लिख दिया। किस रो में है, सेकेंड रो में हटा दिया, फर्स्ट कॉलम में हटा दिया, बचा कितना, माइनस वन जीरो सेवन वन। तो माइनस वन जीरो सेवन वन, और इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, तो माइनस इनकी मल्टीप्लाई होगी तो माइनस वन, इनकी मल्टीप्लाई होगी तो जीरो हो जाएगा। तो माइनस वन आया और माइनस बाहर कितना आया, प्लस का वन आ गया, ठीक। तो ये हमें ए टू वन मिल गया। उसके बाद ए टू टू, ठीक, यानी ए टू दूसरी रो दूसरे कॉलम, तो दूसरी रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, फोर। इसका कोफैक्टर क्या होगा, तो देखिए, तो फोर सेकेंड रो में हटा दिया, सेकेंड कॉलम में हटा दिया, बचा कितना, थ्री टू सेवन वन। तो थ्री टू सेवन वन, और चूंकि ये माइनस था तो अगला क्या होगा, प्लस, क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस चलते हैं, ठीक। तो प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं, इनको मल्टीप्लाई किया थ्री, माइनस इनकी मल्टीप्लाई की फोर्टीन, तो कितना आया, माइनस का इलेवन आ गया। उसके बाद ए टू थ्री, यानी रो तो दूसरी ही चल रही है, कॉलम तीसरा हो गया, तो दूसरी रो तीसरा कॉलम हटा दिया, थ्री टू माइनस वन जीरो, और ये माइनस का रहेगा, थ्री टू माइनस वन जीरो। ऐसे समझ लीजिए, टू और थ्री कितना हुआ, फाइव हुआ, तो क्या हुआ, ऑड हुआ ना, तो इसलिए माइनस रहेगा, माइनस इनकी मल्टीप्लाई जीरो, और माइनस लगा के इनकी मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, प्लस का टू, यानी कितना आया, माइनस का टू। तो जो दूसरी रो थी उसके हमने कोफैक्टर निकाल लिए। हमसे कहा गया था दूसरी रो के कोफैक्टर का यूज करके डिटरमिनेंट को ओपन करना है, तो हमने ये तो फाइंड कर लिया। अब इसको इसकी वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे वो देखें। तो वैल्यू इसको हम डेल्टा से डिनोट कर लेते हैं, डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आती है उसको डेल्टा से हम डिनोट कर सकते हैं। तो डेल्टा इक्वल, देखिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, चूंकि यहां पे सेकंड रो है, ये ध्यान रखें सेकंड रो है, ठीक। तो जो एलिमेंट है और जो उसका कोफैक्टर है, तो एलिमेंट और उसके कोफैक्टर के मल्टीप्लीकेशन का सम, यानी जितने भी सेकेंड रो में एलिमेंट हैं उनको उन्हीं के कोफैक्टर से हम मल्टीप्लाई करें और सबको हम क्या करते हैं, ऐड, तो वो हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाती है, ठीक। तो सेकेंड रो है तो ए टू वन ये हुआ एलिमेंट, और ए टू वन ये हुआ उसका कोफैक्टर, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक। इसी तरह से ए टू टू और ए टू टू, ये सेकेंड वाला एलिमेंट हुआ और इसका कोफैक्टर, और ए टू थ्री और ए टू थ्री, ठीक, और इन सभी का क्या करते हैं, सम करते हैं, ठीक। चलिए तो ए टू वन कितना है, वन है, इसका कोफैक्टर कितना आया, वन आया, प्लस ए टू टू कितना है, फोर, इसका कोफैक्टर कितना आया, माइनस का इलेवन, प्लस ए टू थ्री कितना है, टू, इसका कोफैक्टर कितना आया, माइनस टू। अब इसको हम कैलकुलेट कर लें, डिटरमिनेंट की वैल्यू पता चल जाएगी, 1 माइनस का 44 माइनस का 4, ठीक, तो ये कितना हो गया, माइनस का 47। तो अगर हमसे ये कहता है
की डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करो, एक्सपेंड करो, तो तुम नॉर्मली जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है उस तरीके से ओपन कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ये लिखकर आता है कि इस रो के को फैक्टर यानी सेकंडों का यूज करके इसका मान निकालो, तो फिर हम इस तरीके से निकालेंगे। ठीक, तो ये टॉपिक हमारा हो गया माइनर एंड को फैक्टर फाइंड करना। ठीक, अब इसके बाद है डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी जो वर्ग आव्यूह है उसका सारणी। तो ये तो नॉर्मली हम लोगों ने पढ़ ही रखा है कि अगर ए मैट्रिक्स है 3 1 2 7 0 1 माइनस का 6 7 1 जैसे ये है, तो इसका डिटरमिनेंट तो ये हो गया। ठीक, अब मैट्रिक्स यहां पर दो तरीके की होंगी। नंबर एक सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में कहेंगे, अभी बताएंगे क्या कहेंगे। उसके बाद नॉन सिंगुलर, ठीक, दो तरीके की यहां पर मैट्रिक्स होंगी, वो इसी पर डिपेंड करेंगी। पहली होगी सिंगुलर मैट्रिक्स, दूसरी होगी नॉन सिंगुलर। अब देखिए इसमें हिंदी इंग्लिश में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि परीक्षा में कभी हिंदी में लिखकर आ जाता है और कभी इंग्लिश में लिखकर आ जाता है, तो हमें दोनों चीजें समझनी है। सिंगुलर का मतलब होगा अव्युत्क्रमणीय, अव्युत्क्रमणीय आव्यू, और इसका मतलब होगा अव्युत्क्रमणीय आव्यू। ठीक, देखिए इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि नाम ही ऐसे, सिंगुलर तो सोच लेंगे अव्युत्क्रमणीय है, वो व्युत्क्रमणीय है, आ लग जाता है हिंदी में तो इंग्लिश में नॉन या नॉट इस तरह से लग जाता है, तो नॉन सिंगुलर। आराम से समझिए, सिंगुलर का मतलब है अव्युत्क्रमणीय और नॉन सिंगुलर का मतलब है व्युत्क्रमणीय। अब ये कौन सी मैट्रिक्स होंगी ये हम कैसे जानेंगे? अगर कोई मैट्रिक्स हमारी, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, ये जो भी मैट्रिक्स होंगी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, या तो थर्ड ऑर्डर की होंगी या तो सेकंड ऑर्डर की होंगी, और कोई मैट्रिक्स नहीं हो सकती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी? ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो हो, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट क्या हो जाए हमारा जीरो हो जाए, तो वो क्या हो जाएगी? अव्युत्क्रमणीय। और ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो ना हो वो क्या कहलाएगी? नॉन सिंगुलर यानी अव्युत्क्रमणीय। ठीक, कभी कभी इस तरह से बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन दो बार पूछे गए, एक बार इस तरह से पूछा गया है, एक मैट्रिक्स दे दी गई और पूछ लिया बताइए ये अव्युत्क्रमणीय है या अव्युत्क्रमणीय, यानी सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, तो इसका डिटरमिनेंट लिखें, इसको एक्सपेंड करें, अगर जीरो आता है तो सिंगुलर यानी अव्युत्क्रमणीय हो जाएगी, अगर जीरो नहीं आता है तो ये नॉन सिंगुलर यानी हमारी व्युत्क्रमणीय हो जाएगी। ठीक, दूसरी चीज इस तरह का क्वेश्चन आता है, सपोज करिए कि यहां पर क्या किया कि यहां सेवन के आगे लिख दिया के, और क्वेश्चन कह दिया कि ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है ये हमारी कैसी है? सिंगुलर मैट्रिक्स है, अव्युत्क्रमणीय है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो देखिए अगर अव्युत्क्रमणीय है तो डिटरमिनेंट क्या होगा? जीरो। तो इसका डिटरमिनेंट निकालें, इसको एक्सपेंड करें, के फॉर्म में आएगा, इक्वल जीरो के कर दें, सिंपल सी लीनियर इक्वेशन बनेगी, रैखिक समीकरण, और हम के की वैल्यू फाइंड कर देंगे। अगर लिखकर आता है कि ये मैट्रिक्स जो है वो हमारी नॉन सिंगुलर है, तो फिर के की वैल्यू बताइए, तो नॉन सिंगुलर है तो इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा, इसका डिटरमिनेंट निकालें, सपोज करिए इस तरह से आ गया, ये डिटरमिनेंट आ गया, क्योंकि ये हमारी नॉन सिंगुलर है तो इसका डिटरमिनेंट जीरो तो होगा, तो डज नॉट इक्वल जीरो, तो सेवन के डज नॉट इक्वल वन, यानी के डज नॉट इक्वल वन अपॉन सेवन, तो हमारा आंसर इस तरीके से आएगा। इसका मतलब यह है कि के की वैल्यू 1/7 नहीं होगी, बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकती है। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कभी के की वैल्यू निकालने के हिसाब से और कभी ये प्रूफ करने के हिसाब से। ठीक, अब समझते हैं, जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता है, इसी मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल होता है। हम लोगों ने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा है कि कोई मैट्रिक्स है उसका ए इनवर्स निकालना, लेकिन वहां हम लोगों ने पढ़ा था रो ट्रांसफॉर्मेशन यानी पंक्ति रूपांतरण की सहायता से, तो वहां ये सब
कोई इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन अब हम फिर ए इनवर्स निकालना सीखेंगे, लेकिन वो हम सीखेंगे डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स दोनों के कंबाइंड मेथड से। ठीक, तो उसके लिए हमको पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा जो मैट्रिक्स दी गई है उसका इनवर्स पॉसिबल है भी या नहीं है। तो सबसे पहला अगर ए इनवर्स निकालने को कभी भी कहेगा, ठीक, तो सबसे पहले हम उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर डिटरमिनेंट जीरो आ गया इसका ना ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, लेकिन अगर इनवर्स जीरो नहीं आया तो फिर हम आगे का काम करेंगे। ठीक, तो अब कैसे करेंगे वो भी बताते हैं। तो ये समझ में आ गया कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर क्या होती है। हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूज ना हो क्योंकि कंफ्यूजन वाला सब्जेक्ट है यहाँ पर ये चीज। चलिए आगे देखते हैं, आगे है हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स, क्योंकि जब हम ए इनवर्स निकालेंगे तो ये हमें पहले जानना पड़ेगा, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। एडजॉइंट मैट्रिक्स या हिंदी में इसको कहेंगे तो सहखंडज आव्यूह। सहखंडज आव्यूह, अब सहखंडज आव्यूह किसे कहते हैं, शॉर्ट में हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसको इस तरह से लिखते हैं, इसका मतलब है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, वही लिखा है एडजॉइंट मैट्रिक्स, यानी कोई ए मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट यानी उसका सेकंडज आव्यूह। किस तरीके से निकालेंगे समझते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कोफैक्टर, ठीक, तो ए मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर्स। ठीक, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब का सीधी से अगर भाषा में समझे तो जो मैट्रिक्स दी गई है उसके अंदर जितने एलिमेंट है हम सभी के कोफैक्टर्स निकालेंगे, सेकंड निकालेंगे। अभी मैंने बताया किस तरह से निकालेंगे, उसके बाद जो कोफैक्टर आ जाएंगे उनको वहीं पर हम लिख देंगे जहां पर वो एलिमेंट एलिमेंट हटा देंगे और एलिमेंट के कोफैक्टर लिख देंगे। तो जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनेगी उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज पता ही है कि क्या होता है, मैट्रिक्स वाले चैप्टर में पढ़ाता कि अगर किसी मैट्रिक्स की हम रो को कॉलम में लिख दें, पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम, तो हमारी मैट्रिक्स ट्रांसपोज हो जाती है। तो जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनेगी उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो आएगी वही क्या कहलाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताते हैं, जैसे सपोज करिए ए है 2 1 5 7, जैसे ये एक मैट्रिक्स है, ठीक, हम इसकी ट्रांसपोज निकालते हैं। किस तरह से निकालेंगे, तो इसमें चार एलिमेंट है, ठीक, हम सभी के क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। तो ए 2 1, तो ए 1 1 पहली रो पहला कॉलम यानी ये 2 है, ठीक। तो साइन, देखिए एक चीज ध्यान दें, चाहे वो सेकंड ऑर्डर हो चाहे थर्ड ऑर्डर हो, साइन जो है वो थर्ड ऑर्डर वाले ही चलते हैं, प्लस माइनस इस तरह से, ये नहीं प्लस माइनस गलत हो जाएगा। ठीक, सबसे सही तरीका वही माइनस वन की पावर आर प्लस सी, कभी कंफ्यूज होना ही नहीं। तो देखिए 1 ओवर क्या होता है, 2 होता है, इवन है प्लस रहेगा, ठीक प्लस रहेगा। 2 को 2 पहली रो में है पहले कॉलम में हटा दिया, कितना बचा 7, यानी ए 1 1 क्या हो गया 7, यानी 2 का कोफैक्टर यानी सेकंड क्या होगा 7। ये क्या हम निकाल लें, कोफैक्टर निकाल लें। उसके बाद ए 1 2 यानी पहली रो दूसरा कॉलम यानी ये 5, तो 1 और 2 3 यानी ऑड हुआ, माइनस लग गया, इनको बंद किया कितना आया 1 आया यानी माइनस 1 हो गया। फिर ए 2 1, तो ए 2 1 ये भी क्या आया 3 आया यानी माइनस लग गया, ठीक, तो इनको बंद कर दिया कितना आया 5। उसके बाद ए 2 2, तो 2 और 2 4 हुआ यानी प्लस का रहेगा, ये दोनों बंद हो गए यानी कितना आया 2। ये हमने कोफैक्टर निकाल लिया, अब इनसे जो मैट्रिक्स बनेगी वो लिख लेंगे, मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर्स। ठीक, यानी सेकंड से बना आव्यूह, जो सेकंड है उनसे आव्यूह जो बना, इसको कोई नया आव्यूह हम लिख लेंगे, जैसे ए लिखा है तो हम बी लिख लेंगे, तो बी इक्वल, अब समझिए जो कोफैक्टर जिसका था उसी की जगह लिखा जाएगा। ये ए 1 1 कितना है 7, यानी पहली रो पहले कॉलम में लिखा जाएगा, ठीक, तो 2 का था तो 2 के लिए लिख दिया।
फिर A12 यानी पहली रो दूसरे कॉलम में लिखा जाएगा, ये लिख दिया। A21 यहां लिख दिया और A22 यहां लिख दिया। ये क्या बन गई? मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर, यानी सेकंड से बना हाफ व्यू। ठीक, अब हमने क्या पढ़ा? एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ मेड बाय मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर, यानी जो मैट्रिक्स कोफैक्टर से बनी है इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स, वो एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगी। तो यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा? हमने पढ़ा था कि अगर कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है जैसे बी है, इसकी ट्रांसपोज यानी इसका परिवर्तक क्या हो जाएगा? डैश से डिनोट करेंगे। करना क्या है? जो रो है उनको कॉलम में लिख देना। पहली रो 7-1, तो पहला कॉलम 7-1, दूसरी रो -5 2, तो दूसरा कॉलम -5 2। ये हमारा क्या हो गया? एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, यानी ए का सेकंड हाफ व्यू हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक, तो एक एक करते हम आगे बढ़ेंगे, पहले माइनर को फैक्टर और फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू, ये सब। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स यानी इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स यानी व्युत्क्रम आव्यूह, व्युत्क्रम प्रतिलोम सब कहते हैं। ए इनवर्स निकालना, आप समझिए, हम लोगों ने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा था ए इनवर्स निकालना रो ट्रांसफॉर्मेशन से, यानी पंक्ति रूपांतरण से। यहां पे हम पंक्ति रूपांतरण से नहीं पढ़ेंगे। ठीक, ये जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं यही क्वेश्चन इस साल बोर्ड परीक्षा में आया था। ठीक, 8 नंबर में आया था, मतलब यही क्वेश्चन नहीं लेकिन ए इनवर्स निकालने के लिए आया था और इसी मेथड से आया था जिस मेथड से हम लोगों ने फाइंड किया है। ठीक, तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे? कोई मैट्रिक्स है, अगर हम उसका डिटरमिनेंट, सबसे पहला काम है डिटरमिनेंट निकालेंगे, और डिटरमिनेंट निकालने के बाद डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए, यानी जीरो नहीं होना चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ ए। सबसे पहला कोई ये ए मैट्रिक्स है, हमें इसका इनवर्स निकालना है, तो जो मैट्रिक्स है सबसे पहला काम उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे और डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, पहला स्टेप ये हो गया, सबसे पहले डिटरमिनेंट हम उसका निकालेंगे, जीरो नहीं होगा। उसके बाद मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर्स, यानी उसके बाद हम जो हमारी मैट्रिक्स कोफैक्टर से बनेगी, अभी हमने बताया था किस तरह से मैट्रिक्स बनाएंगे कोफैक्टर से, सबके कोफैक्टर निकाल के लिख देंगे, यानी जो हमारी सेकंड से बना आपी होगा उसको बनाएंगे। थर्ड, हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब सेकंड आपी निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए यानी सेकंड आपी निकालेंगे, और फिर ए इनवर्स इसका फॉर्मूला हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर जीरो हो गया तो अपॉन में जीरो हो गया, पूरा टर्म क्या हो गया? इनफिनाइट हो गया। ठीक, इसलिए ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो देखिए, सब चीज हम लोगों ने निकालना सीखा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू सीख चुके, एडजॉइंट ऑफ ए अभी बताया, और बस इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू रख देनी है, ए इनवर्स हमें फाइंड हो जाएगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा माइनर एंड कोफैक्टर्स निकालना किसी मैट्रिक्स का, यानी किसी आव्यूह का उपसारणिक और उसके सेकंड निकालना। फिर दो तरीके की हमारी मैट्रिक्स होंगी, सिंगुलर यानी अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, नॉन सिंगुलर यानी व्युत्क्रमणीय आव्यूह। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एडजॉइंट ऑफ ए, और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा व्युत्क्रम आव्यूह निकालना। फॉर्मूला बता दिया, बाकी सब हमने बताया दिया, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे। तो आज के टॉपिक पे इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लीनियर इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।